हेलो एवरीवन, मेरा नाम रालिनी सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला भी था कि आप इसके लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पे वीडियो बनाती हूँ। तो हमारा टॉपिक है कि बेली फैट को कैसे कम करना है। मोटापा आजकल लोगों की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे, आपको हम डाइट सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि आपको बेली कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें मोटापा कम करने के लिए अपने खाने से कैलोरी को कम करना है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। फैट कम करना है, फैटलेस खाना खाना है, 3 टाइम हमें मील फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि हमें खाना स्किप करना है, उससे वीकनेस आ जाएगी। विटामिन सी ऐड करना है, चीज़ें चकोतरा, नींबू, आंवला। सबसे पहले आप सुबह उठिए, सुबह आप नींबू पानी और उसमें शहद डाल के ले सकते हैं, लेना ही है आपको। अगर आपको पेट कम करना है तो आपको लेना है नींबू पानी। नाश्ते में आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी अपने एक वीडियो में दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा। फिर या एक फ्रूट खा सकते हैं या फिर फ्रूट चाट खा सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग कर्ड खा सकते हैं पर विदाउट फैट वाला, ठीक है। वैसे ओट्स दलिया अच्छा ऑप्शन है, कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं। और फिर हमारी बात क्या है खाने की, खाने में अगर आपका देखिए बहुत एक्सेस फैट है तो आप क्या करें, एक कटोरी, एक बाउल आपको वेजिटेबल सूप या आप सब्जियों का सूप निकाल के पी सकते हैं। एक प्लेट फ्रूट्स खा सकते हैं या एक प्लेट पपीता खा सकते हैं। पपीता भूख को भी कम करता है, हेल्दी होता है और आपका पेट भी भर जाएगा। या फिर एक रागी फ्लोर होता है, रागी फ्लोर जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता है, तो हम आप इसको डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी जो भी अब तो इसके पिज्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं और इसके रोटी बनाइए, आप जो भी खाना चाहते हैं इसका खा सकते हैं। उस शाम को आप नारियल पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पी सकते हैं, या एक फ्रूट खा सकते हैं, या फिर जौ का पानी पी सकते हैं। छिलके वाला जौ हो आप उसको उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। अच्छा, जौ को आप अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बॉयल करके उसमें सॉल्ट एंड लेमन मतलब नींबू नमक डाल के खा सकते हैं, या अपने जैसे भी आपको सैलड में खा सकते हैं, एज अ सैलड खा सकते हैं। और रात के खाने में आप कोई भी हरी सब्ज़ी ज़रूर खाएं, या एक सैलड खाएं एक प्लेट और फ्रूट्स लें, ये आपको करना है। आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छा, मैंने या का ऑप्शन दिया कि ये या फिर ये, तो इसलिए क्योंकि हम 15 दिन तक सेम डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रोज़ ग्रीन टी नहीं पी सकते शाम को। कभी चेंज करने के लिए हम लेमन वाटर पी सकते हैं, कभी हम चेंज करने के लिए शिकंजी पी सकते हैं, कभी हम चेंज करने के लिए कोकोनट वाटर नारियल पानी पी सकते हैं, तो इसलिए हमें चेंज करते रहना है, ठीक है। एप्पल कर सकते हैं हम सब्जियों में, कौन कौन सी सब्जियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वेट लॉस के लिए, जो हेल्पफुल होती हैं, टोमेटोज़ है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, ब्रोकली। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एक सैल्मन फिश होती है वो खा सकते हैं, उसमें फैट नहीं होता है ज़्यादा। अगर आपको रात में भूख लगी, जैसे हम कभी आइसक्रीम चॉकलेट ये सब खाते हैं रात में लेट टाइम भूख लगे, फिर आप पर आपको ये अवॉइड करना है। आप इसकी बजाय ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी होगा। किनोवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेट को लॉस करने के लिए, पेट को कम करने के लिए, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट होता है, इसे ज़रूर खाना चाहिए। अंकुरित जो साबुत अनाज होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, इसमें मददगार होते हैं। जौ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जौ आपको शामिल करना चाहिए। और फ्रूट्स लें, सैलड लें, सब्जियों का सूप लें, और ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, कोकोनट वाटर। आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको ऑयल अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है, फैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नहीं खाना है आपको।
और एक्सरसाइज ज़रूरी है। अच्छा हाँ, नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है आपको, 6 से 8 घंटे तक की, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप स्ट्रेस ना लें, पर ये कहने की बात होती है, हम सभी के लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं कि हम बिल्कुल भी स्ट्रेस ना करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा टाइम योगा के लिए निकाल लें, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये भी जो आपके दिमाग को थोड़ी देर के शांत रखेगा। जब एक्चुअली हमारा माइंड शांत रहता है ना, तो जितने हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन प्रॉपरली होता है, जितने अमाउंट में चाहिए। वो स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बहुत से जिन्हें नहीं होना चाहिए उन्हें, तो इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके अलावा क्या करना है हमें, पानी 8 से 10 ग्लास जरूर पीना है, और थोड़ा वर्कआउट भी करना है। वो आप जिस भी रूप में करिए, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, टहलने जाइए, पर वर्कआउट भी ज़रूरी है। पर ये 15 दिनों में आपको ये डाइट फॉलो करनी है, आपको चावल रोटी आलू सब्जी ये सब कुछ नहीं। अगर आप ब्रोकली खा रहे हैं तो आप ब्रोकली को स्टिर फ्राई कर सकते हैं नमक डाल के, बहुत स्पाइसेस नहीं खाने हैं आपको, हल्का खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल भी होगा और आपके लिए हेल्दी होगा। मॉर्निंग में आपको नींबू पानी ज़रूर पीना है। हाँ, मीठी चीज़ें भी अवॉइड करनी है आपको, चॉकलेट वगैरह नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, चीनी की जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं या शहद यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो खाने में ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, घी नहीं खाना है आपको, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, मस्टर्ड ऑयल नहीं खाना है। ऑलिव ऑयल एक्चुअली बहुत लाइट होता है, तो बहुत ही अनहेल्दी नहीं होता है ये, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो 15 दिनों तक ये डाइट फॉलो करिए। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, थैंक यू। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप पेशेंट हो, आप डायबिटिक हो या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डाइट स्टार्ट करने से पहले ये आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको कोई और बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना डाइट स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल छोड़ना है, इन दिनों में नहीं ले सकते हैं आप। तो अगर आपको अपना फैट टमी कम करना है, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो करनी है, और आपका पेट 15 दिनों में एकदम अंदर हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। थैंक यू।